हेलो फ्रेंड्स, केक खाना तो सभी को पसंद होता है, चाहे वो बच्चे हो या फिर बड़े। तो आज मैं आपके लिए घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से कैसे आप हेल्दी और टेस्टी केक बना सकते हैं वो बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रीहीट करेंगे, गैस ऑन करके हम इस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक, आप कोई भी नमक ले सकते हैं। ये मैंने एक दो बार बेक किया हुआ था पहले से नमक, तो इसलिए इसका कलर आपको चेंज लग रहा होगा। ज़्यादा नहीं, एक कप के बराबर आपको नमक चारों तरफ से फैला देना है। और अब इस पे हम रखेंगे इस तरह की डिक्की या फिर कोई भी आप कटोरी या प्लेट रख सकते हैं, ताकि इसके ऊपर केक टिन रखने में आसानी हो। अब हम इसे लो फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। प्री हीट के बाद सबसे पहले हमें केक टिन बना के तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे गोल वाला केक टिन लिया है, आपके पास जिस भी साइज और शेप का केक टिन हो आप ले सकते हैं। केक टिन में हम सबसे पहले अच्छे से रिफाइन ऑयल या फिर बटर से ग्रीस करेंगे। तो मैं यहाँ पे रिफाइन ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, ताकि अगर आपके पास बटर नहीं भी है तो आप ऑयल से भी काम कर सकते हैं। तो ऑयल को अच्छे से हम बेस पे और चारों तरफ किनारों पे भी लगा देंगे। और अब इसके ऊपर से हम बटर पेपर लगाएंगे। तो मैंने गोल शेप का बटर पेपर काट लिया है केक टिन के अनुसार, इसके नीचे बेस पे हम रख देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप बेस में अच्छे से रिफाइन ऑयल भी लगा दे सकते हैं, इससे भी आपका केक नहीं सटेगा। तो केक टिन भी हमारा रेडी है, तो चलिए अब हम केक के लिए बैटर बनाते हैं। तो आज मैं गेहूं के आटे से आपको हेल्दी और टेस्टी केक बता रही हूं। तो मैंने यहां पे लिया है एक बॉल गेहूं का आटा, ये मैंने पैकेट वाला गेहूं का आटा लिया है। अब आटे को हम छन्नी से छानेंगे, तो इसके लिए एक बॉल पे मैंने छन्नी को रखा है। अब इसमें हम सारे आटे को डाल के अच्छे से छान लेंगे। अगर आप चक्की वाले गेहूं के आटे से बना रहे हो केक, तो उसे आप 2 से 3 बार छान लें तभी बनाएं, क्योंकि चक्की वाले आटा बहुत ही दरदरा होता है, और जो पैकेट वाला आशीर्वाद आटा हो या फिर और भी आटे हो, वो एकदम मैदे जैसी उसकी कंसिस्टेंसी होती है बारीक, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत ही अच्छा केक बनके तैयार होगा। तो आटे को छानने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा, इससे आपका केक फ्लफी और स्पंजी बनता है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अगर अभी आपके पास घर में फ़िलहाल बेकिंग पाउडर ना हो, तो आप बेकिंग सोडा जो कि खाने वाला सोडा होता है उसकी क्वांटिटी डबल कर दें, यानी कि 1 टीस्पून आप खाने वाला सोडा ही डाल दें। और अब हम इसे भी आटे के साथ छान लेंगे, ताकि जो भी गंदगी हो वो निकल जाए। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा केक में कहीं पर भी लम्प्स ना बने, एकदम फ्लफी केक बन के हमारा तैयार हो। तीनों चीज़ों को छानने के बाद हमारा यहाँ पे जो ड्राई पाउडर है केक के लिए वो बन के तैयार हो गया है। तो अब हम एक दूसरा बॉल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून रिफाइन ऑयल। मैं यहाँ पे केक बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से बता रही हूँ, जो कि सभी के घरों में अवेलेबल होगा। तो आपके पास अगर बटर है तो आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेल्ट किया हुआ बटर ही आप केक बनाने में यूज़ करें। अब इसमें हम डालेंगे शुगर। तो हमारे केक बनाने के लिए पाउडर शुगर चाहिए था, तो मैंने चीनी को इस तरीके से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और इसका एक पाउडर बना लिया है। तो मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून शुगर भी डाल रही हूँ, यानी कि पाउडर शुगर भी डाल रही हूँ। अब हम शुगर और ऑयल को अच्छे से विस्क करेंगे। तो 1 से 2 मिनट हम इसे अच्छे से विस्क करेंगे, ताकि अच्छे से शुगर और तेल आपस में मिल जाए। तो इस तरीके से विस्क करने के बाद इसी कंसिस्टेंसी आपको कुछ यूं लगेगी देखने में। अब हम सारे ड्राई मिक्सचर को इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद एक बार मिक्स करेंगे। मैं इसमें नमक डालना भूल गई थी, तो मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल देती हूँ, लेकिन नमक आप जब छन्ने से आटे को छान रहे हो तभी डाल दीजिएगा। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध करके इसमें डालेंगे और एक इसका अच्छा सा बैटर बना के तैयार करेंगे। नहीं, आप एक बॉल दूध लिया है, लेकिन हम दूध को एक बार नहीं डालेंगे, पहले मैं आधा डालती हूँ और फिर इसे मिक्स करेंगे, और फिर इसमें हम बाकी बचा हुआ दूध भी डाल देंगे।
और फिर मिक्स करना शुरू करेंगे। अगर आपको बीटर से दिक्कत हो रही है मिक्स करने में, तो इस टाइम पे आप बीटर रख दें और बड़ा सा एक लैडर ले लें या चम्मच ले लें, उसकी सहायता से आप इसे मिक्स करें, ज़्यादा अच्छा से मिक्स होगा। तो मैं चम्मच की सहायता से देखिए कैसे मिक्स कर रही हूँ। पूरी तरीके से हिलाना नहीं है और बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, नहीं तो हमारा जो केक है वो स्पंजी नहीं होगा और बीच से टूट टूट जाएगा। तो आप इसे एक बार नीचे से उठाएं और फिर ऊपर की ओर इस तरह से मिक्स करें। बस हमें नीचे से उठाना है और ऊपर की ओर इसे मिलाना है। हमें अच्छे से इसे घोलना नहीं है, बस नीचे से उठाते हुए इस तरीके से हमें मिलाना है और अच्छे से 5 मिनट तक मिलाना है ताकि कोई लम्प्स या फिर गांठ ना रह जाए इसमें। जब हमारा मिक्सचर मिल जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 10 से 20 ड्रॉप वेनिला एसेंस के। वेनिला एसेंस आपको मार्केट में इजली मिल जाएगा, लेकिन अगर अभी आपके पास नहीं है तो आप इसके जगह फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, जैसे कि चॉप किया हुआ पिस्ता, काजू और बादाम। मेरे पास अभी टूटी फ्रूटी नहीं है तो मैं अभी ड्राई फ्रूट डाल के ही काम चला रही हूँ। अगर आपके पास टूटी फ्रूटी है तो आप इसमें टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इसे एक बार और अच्छे से लैडल की सहायता से मिक्स कर लेंगे और जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो एकदम फ्लोइंग होनी चाहिए। देखिए एक फ्लो में ये गिरना चाहिए, तभी हमारा केक का बैटर बनके तैयार होगा। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना है, बस इसे और कुछ नहीं करना है हमें। हमारा बैटर तैयार है तो हम केक टिन लेंगे और इसमें सारे बैटर को डाल देंगे। आराम से डालें और डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं हिलाना है, बस 3 से 4 बार टैप करना है ताकि ये चारों तरफ से सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमारा केक टिन में बैटर सेट हो गया है और हमें पूरी केक टिन को भर के नहीं डालना है, आधा ही डालना है, क्योंकि ये फ्लफी होने के बाद ऊंचा उठेगी। तो हमें ध्यान रखना है कि हम बैटर जब भी केक टिन में डालें तो आधा ही डालें। तो अब चलते हैं इसे बेक करने की ओर। तो यहाँ पे कढ़ाई देखिए हमारा हीट हो गया है, तो हम अच्छे से इसके ऊपर केक टिन रख देंगे और इसे एक लीड की सहायता से ढक देंगे और 45 मिनट तक लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। तो यहाँ 45 मिनट हो गए, हम लीड हटाकर देख लेते हैं। मैंने बीच में लीड को हटाकर ऊपर से ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा डाल दिया था। तो आप ऊपर से ड्राई फ्रूट्स तभी डालें तब आप जब आपका केक आधा कुक हो चुका हो। देखिए मैं अब आपको चेक करके बताती हूँ। टूथपिक की सहायता से हम इसे चेक करेंगे। सबसे पहले बीच में चेक करेंगे, तो यहाँ देखिए जरा सा भी ये उंगली में नहीं सट रहा है और ना ही टूथपिक में लगा, यानी कि बीच से ये पूरी तरीके से बेक है। अब साइड से भी चेक कर लेते हैं, साइड से भी पूरी तरीके से कुक हो चुका है। तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और केक टिन को निकाल कर पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे, तभी हम केक को केक टिन में से निकालेंगे, नहीं तो हमारा हाथ भी जल सकता है। तो 10 मिनट के बाद देखिए केक टिन हमारा एकदम ठंडा हो गया है और इसके ऊपर से हम प्लेट रखेंगे और 3 से 4 बार इसे ऊपर से टैप करेंगे ताकि जो केक है वो केक टिन से अलग हो जाए। देखिए कितनी आसानी से ये निकल रहा है, कहीं भी सटा नहीं है और कलर तो बहुत ही अच्छा आया, एकदम परफेक्ट बेक भी हुआ है हमारा केक। अब ऊपर से हम बटर पेपर को निकाल देंगे और फिर इसे आराम से हम सीधा करेंगे ताकि केक हमारा टूटे ना। देखिए केक हमारा एकदम फ्लफी और परफेक्ट कुक भी हुआ है। कोई कह नहीं सकता है कि ये गेहूं के आटे का बना हुआ केक है। मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ, देखिए। ये अंदर तक कितनी अच्छी तरीके से बेक हुआ और कितना स्पंजी रुई की तरह एकदम मुलायम केक बना है। बहुत ही हेल्दी केक है ये और साथ में टेस्ट से भी भरपूर है। टेस्ट में आपको जरा भी नहीं लगेगा कि ये गेहूं के आटे का बना हुआ है। तो अगर आप घर पे बैठे हो और बच्चों को कुछ केक खाने का मन कर रहा हो तो आप इसे आराम से बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी इसमें नहीं लगे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।